राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष का मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक विशेष चर्चा है कि आज हमारा देश बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना नामक वायरस चीन से चलकर आज पूरी दुनिया का सफ़र कर चुका है और मेरे देश में भी पहुंच चुका है। बहुत ही खतरनाक स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अब हम तभी बच सकते हैं जब हम सावधान रहें इससे, और सावधान रहने का निर्देश हमें बार बार सरकार के द्वारा, उसके बाद स्पेशलिस्टों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं कहीं गलती करते रहते हैं, जिसका खामियाजा हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को हो सकता है भविष्य में भुगतना पड़े। इसलिए हाई अथॉरिटी से, सरकार के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा जो भी निर्देश हमें मिले उसका अक्षरशः पालन हो, इसे आप संकल्पित कर लें अपने मन में कि इसका पालन हम अवश्य करेंगे। अन्यथा आप सोचते रहें कि मुझे तो नहीं है या मेरे अगल बगल में नहीं है, लेकिन कहाँ है और क्या है यह कहना मुश्किल है। इसलिए एक-एक कदम पर सावधानी बरतनी है। आज पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है और उस लॉकडाउन को भी लोग बहुत कम मानना चाहते हैं। मैं अभी बाज़ार गया था तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बहुत कम ही मानना चाह रहे हैं, लेकिन इसे अवश्य माने। जो कुछ भी हो रहा है वह देश के लिए हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, परिवार के लिए हो रहा है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए हमें देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि हमें जो भी बताया जा रहा है, बाजार नहीं निकले, किसी भी व्यक्ति से 3 फीट दूरी बनाए रखें, 5 फीट दूरी बनाए रखें, हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करें, इन सभी निर्देशों को, और हाँ, बाहर से आने वाले मेरे जो भी दोस्त हैं, कहीं भी रहते हों, बाहर से आए हों, सऊदी अरब से आ रहे हों, लंदन से आ रहे हों, अमेरिका से आ रहे हों, या फिर दिल्ली से अपना घर, कहीं किन्हीं का यूपी घर है, किन्हीं का बिहार है, किन्हीं का झारखंड है, जो भी मेरे दोस्त वहाँ से आ रहे हैं, जो अफेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड क्षेत्र राज्य है, वहाँ से जो भी आ रहे हैं अपने दूसरे राज्य में, वे सर्वप्रथम जाकर प्रशासन के पास जाएं और उन्हें अपने सच्चाई बताएं कि हाँ, मैं फलां जगह से आया हूँ, मेरा जांच किया जाए। तो आप का एक कर्तव्य बनता है, आप इस काम को अवश्य करें। आप आएंगे और छुप छुपा कर चुपचाप घर में पहुंच जाएंगे तो आप सभी को लेंगे, चाहे आपके परिवार के हों, चाहे आपके अगल बगल पड़ोसी हों, या आपके शहर के लोग हों, या आपके गांव के लोग हों, आप सबके साथ गद्दारी करेंगे, आप सबकी परिस्थिति खराब करेंगे। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अगर आप, हाँ, संभव हो सके तो आप जहाँ हैं वहीं रुके रहें और सावधान रहें, संसर्ग से दूर रहें, और अगर आपको घर आना ही हो तो आप आएं, लेकिन सूचित अवश्य करें, किसी अस्पताल में जाकर या प्रशासन के पास सूचना इसकी अवश्य अवश्य दें कि मैं फलां जगह से आया हूँ और मेरे ऊपर निगरानी की जाए, मेरी जांच की जाए। इसे आप अवश्य ध्यान में रखें, घर नहीं पहुँचे पहले। अगर आवश्यकता होगी तो जिस तरह की जो आवश्यकता होगी उसका उपचार आपको डॉक्टरों के द्वारा मिलेगा, प्रशासन के द्वारा निर्देश मिलेगा, स्थान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और सभी सुरक्षित रहेंगे। इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखें, और जो भी दिशा निर्देश मुझे, हम लोगों को मिले सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा, उसका हम अक्षरशः पालन करें, तभी हमारा सब देश आज बच सकता है और तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। नहीं तो इतनी परिस्थिति खराब हुई चीन की, इटली की, अभी देखा जाए इटली की भी स्थिति बहुत खराब है। तो इस तरह की परिस्थिति, इस तरह का परिस्थिति
उत्पन्न नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना है और हमें कोरोना से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले मैंने बताया चारों दिशाओं का, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण मुखी, घर अगर आप बना रहे हों तो आप दरवाज़ा कहाँ रखें, मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार कहाँ रखें। तो वह जो विधि है वह है नवग्रह आधारित विधि, और आज मैं आपको बताऊंगा एक विधि और जो आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप दरवाज़ा बनाएं। तो दोस्तों, विधि सुनने से पहले मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो को अवश्य देखें। पूरी वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आइए, आज मैं एक विधि और आपको बताता हूँ, वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पंचतत्व आधारित विधि। चुंबकीय क्षेत्र विधि क्या है, धरती में जो गुरुत्वाकर्षण है, जो चुंबक है, वह भी आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है और वह आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को पहुंचाता है। तो पॉजिटिव ऊर्जा आपका द्वार के द्वारा ही पहुंचेगा, जहां दीवार होगा वहां से तो कोई घर प्रवेश कर नहीं सकता है, द्वार के द्वार से ही प्रवेश करता है। तो आपका जो पॉजिटिव ऊर्जा है, कहां दरवाज़ा रखें जो आपका सही ढंग से आपके घर में प्रवेश कर सके, वह है पंचतत्व आधारित चुंबकीय क्षेत्र पंचतत्व आधारित विधि। इस विधि में क्या है कि आप भवन की चार दीवारी में प्रवेश द्वार का उपयुक्त स्थान निकालने के लिए जिस दिशा में आपको द्वार बनाना हो, जैसे मैं उदाहरण के लिए एक जगह बता देता हूँ कि अगर आपको पूर्व की ओर द्वार बनाना हो तो क्या करना है, पूर्व पश्चिम को 9 भागों में बांट देना है, आग्नेय कोण से लेकर ईशान कोण तक। 9 भागों में पूर्व पश्चिम घर की लंबाई को आप बांट दीजिए और आग्नेय कोण से लेकर ईशान कोण तक 9 भागों में बांटिए और उस भाग में बराबर बराबर भाग कर लीजिए। और फिर क्या करिए, दाएं ओर अपनी दाईं ओर के 5 भाग और बाईं ओर के 3 भाग, दाईं ओर के 5 भाग और बाईं ओर के 3 भाग छोड़कर शेष भाग में आप प्रवेश द्वार का निर्माण करें। और बाईं और दाईं आप कैसे जानेंगे उसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूं कि घर से अगर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका जो दाहिना भाग है वह दाईं भाग हुआ और बायां भाग जो है वह बाईं भाग हुआ, घर से बाहर निकलते समय, न कि घर प्रवेश करते समय। तो इसलिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो उस समय जो आपका दायां बायां भाग होगा वही भाग घर का भाग माना जाएगा। तो आप क्या करें कि दाईं 9 भाग करके, 9 भाग करने के बाद आप बराबर बराबर 9 भाग करें और दाईं ओर का जो भाग है वह 5 भाग छोड़ दीजिए और बाईं ओर का 3 भाग छोड़कर 5 3 8 बीच में जो एक भाग रहता है उसमें आप दरवाज़ा बनाएं। और अगर मान लीजिए, हम उदाहरण के लिए दे देते हैं कि पूर्व दिशा में अगर घर आपका पूर्व दिशा का आप दरवाज़ा बना रहे हैं तो तीसरे और चौथे भाग में दरवाज़ा बनाएं, दक्षिण दिशा में बना रहे हैं तो चौथे एवं छठे भाग में दरवाज़ा बनाएं, पश्चिम दिशा में बना रहे हैं तो चौथे एवं पाँचवें भाग में बनाएं, उत्तर दिशा में अगर बना रहे हैं तो चौथे और पाँचवें भाग में बनाएं। तो दोस्तों, इस तरह आप दरवाज़ा का निर्माण करें जिससे आपको सुख समृद्धि सब दिन मिलती रहे। और आगे मैं बहुत कुछ डालूंगा, दरवाज़ा की लंबाई चौड़ाई क्या हो और कुछ विशेष विशेष बातें मैं डालूंगा, इसमें बहुत कुछ डालना है मुझे अभी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देखें।
अभी गृह प्रवेश का भी कुछ मुहूर्त बाकी है बताना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस साल बहुत शॉर्ट मुहूर्त है, बहुत कम मुहूर्त है, इसलिए मैं कुछ मुहूर्त और आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप अच्छा लगता हो मेरी मेरा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को टच करें, जिससे आपको मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। राधे राधे दोस्तों।